और ये ब्रश भी खराब किया है। क्या अच्छा लग रहा है? हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं रात से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं सोची थी कल से करूँ, पर हमजा ने कुछ ऐसा किया कि मैं सोची ये तो दिखाना बनता है। ये देखो, पहले तो आप ये देखो, मैंने ये मेकअप शूट किया था, ठीक है। अभी मैं जस्ट रील्स बना रही थी, मेरे फ़ोन में चार्ज भी नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा था कि कल मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी, पर हमजा के वजह से मुझे अभी करना पड़ा। ये देखो क्या कर रहा है, ये सारा कुछ मेकअप मैंने अभी तक उछाया नहीं है, सारा कुछ यहाँ मैस होकर के है। ये देखो अभी मैंने इसे लॉक किया, कितना बदमाश हो गया लड़का। मेरा इयररिंग भी खुल गया यार। ये देखो पूरा कलर करेक्टर का तो पूरा बैंड बजा दिया है वो। एक मिनट गाइस, ये देखो क्या किया है पूरा, और मेरा ब्रश का भी हालत कुछ ऐसे कर दिया है। देखो कोम्ब में भी, दोनों कोम्ब में मेरा खराब कर दिया है। और इसका फेस देखो गाइस, पहले हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, वो हाथ दिखाओ। शिट, ये क्या किए हो, खराब कर दिए, पूरा मिरर भी खराब कर दिए गाइस। मतलब मैं अभी मेकअप करने के बाद ये सारा मेस मैं क्लियर करूंगी। और ये मेरा ब्यूटी ब्लेंडर, मैं ये क्लियर करूंगी ना, मैं इसे अब क्लीन करने बैठूंगी। इसे ही तो मैं मेकअप करने के बाद ये सारा कुछ क्लीन करते करते तो मेरा बहुत टाइम चल जाता है। दो मत करो हमजा, कोई चीज में हाथ मत दो। ये मम्मी के घर में था, मैं उस टाइम पे कर रही थी गाइस। बस मेरा थोड़ा सा एक दो रील्स में सोची कि चलो एक दो रील्स में बना लेती हूँ, इतना मेकअप किया, इतना मेहनत करके तो मैं रील्स बना लेती हूँ। मुझे क्या पता था कि ये लड़का, और ये ब्रश भी खराब किया है, ये ब्रश भी खराब किया है यार। उसका फेस तो देखो, अरे देखो इसका फेस, ये अच्छा लग रहा है? हाँ बोल रहा है, बताओ। अल्लाह, अब मुझे ये क्लीन करना पड़ेगा। और मेरा ये लुक देखो गाइस, मैं यहाँ वीडियो बना रही थी, मेरा ये लुक देखो पहले आप, ये लुक देखो गाइस कैसा लग रहा है, कमेंट में मुझे जरूर बताना। लुक बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है, पर मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ वीडियो करूंगी और वहां पूरा मेरा मेकअप का बैंड बज जाएगा, मुझे ये पता नहीं था, ठीक है। मैं सोची कि चलो भाई सब तो लॉक है, पर वो खोल के पूरा मेरा मेकअप का बैंड बजा दिया है। तो मैं अब जाती हूँ, उसे क्लीन करती हूँ, सीधा मैं आपसे मिलती हूँ कल। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन मैं मम्मी के घर गई थी और शोएब भी आया था, और हम लोग यहाँ खेल रहे थे लूडो। ये हमारा फर्स्ट राउंड चल रहा है, देखो कौन जीतेगा यहाँ। गाइस अब हम लोग खेल रहे हैं सेकेंड राउंड। बची है, कभी इंतजाम लगा देते हैं। एक एरा कभी सुधो आमा के मार्बल ले गई कोरे चिलो खेल चे। मैं हार गई गाइस। हाँ तो मेरे बहन को क्यों मार रहे हैं? तुम लोग दोनों कर। सोमिया हारी है ना? सोमिया पैसा खाऊ, सोमिया हेरे, सोमिया हेरे।
गुड्डी से होता है, दो गुड्डी से पक्की हो रहा, दो गुड्डी पक्की हो रहा है। हेलो आमा के भी देखा छह गुड्डी तो मारा छे। मुझे पता नहीं, शायद आप लोगों को समझ भी नहीं आ रहा होगा, जब भी हम लोग ऐसे एक साथ मिलते हैं ना, हम लोग भाई बहन, हम लोगों का बीच में नोक झोंक लगा हुआ रहता है गाइस। आई थिंक सभी कजन्स में, सभी भाई बहन में ऐसा ही होता होगा। हाँ, बातें चल रही है कि मैं लोल बन करके गेम हार गई थी और मेरी बहन आइसक्रीम का ट्रीट देगी, पर वो हुआ नहीं, मैं लास्ट हुई, इसीलिए मुझे ट्रीट देना था, इसीलिए ये आर्ग्यू हो रहा है। चलो देखते हैं ये आर्ग्यू कहाँ तक जाता है। जो बोले छक्का बोले छक्का आ रहा है, एक बोले एक आ रहा, दो बोले दो आ रहे हैं। मेरे चिल्ला मुंह पर गोली का है भी, सुमिया गेम करती है भाई, तो बोल के मारते चल रहे हैं। ये राग मत लगा रे, चल राग मत लगा, तू अपने साला का जो हेल्प कर रहे थे क्या हेल्प कर रहे थे? हम लोग को नहीं मारा, हम लोग को नहीं मारा एक दूसरे को, तब उन लोग को काहे मारी, काहे काहे तुम लोग दोनों काहे नहीं मारे? लोग मना किया था, पक्की तो एक्टिंग गुडी तो भाई जी। ज्यादा बहस हो गया, मुझे समझ में नहीं, मैंने स्वेप को गोली मार दिया। लूडो में हार गई तो फाइनली मुझे आइसक्रीम मंगाना पड़ा, ये रहा सबका आइसक्रीम। हम लोग भाई बहन साथ में और कोई प्लान ना बने, ये तो कभी हुआ ही नहीं है। तो आज भी हम लोग जा रहे हैं फैमिली डिनर करने के लिए। आप लोगों को तो पता ही होगा कल का बारिश, कल तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, उसी में ही हम लोग प्लान किए थे कि हम लोग जाएंगे डिनर पे। अम्मी और मम्मी तो जाने वाली नहीं थी, मेरी बहन ने बहुत प्रेशर दिए, मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, तब जा कर के अम्मी मानी। मम्मी को तो मैंने बोला भी नहीं था, मम्मी को हम लोग ऐसे ही लेके चलो दोनों बहन जा कर के आप लोग बातें करोगे और हम लोग इन्जॉय करेंगे। तो हम लोग चले गए, हम की सवारी आ गई थी, सब एक साथ हम लोग गए थे बड़े दिन के बाद और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये देखो गाइस मेरा ये लुक, मैंने ब्लैक आउटफिट पहना था और ये दोनों बंदर बंदरिया पीछे बैठ करके थे और इतना ज़्यादा झगड़ रहे थे कि मैं आपको क्या बोलूँ। इन लोगों का तो झगड़ा बंद ही नहीं हो रहा था और आज का वेदर तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रहा था, कंटिन्यूसली बारिश हो रहा था गाइस कोलकाता में। आप लोगों के वहाँ कल कैसा बारिश हो रहा था आप लोग ज़रूर बताना, हम लोगों के वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था और बहुत जगह तो भर भी गया था और उसी में हम लोग जा रहे थे डिनर करने। तो चलो बने रहो और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। तो गाइस हम लोग रेस्टोरेंट पहुंच गए हैं, ये एक अरेबिक रेस्टोरेंट है बरखास, तो वहां हम लोग गए थे डिनर करने के लिए। से मैं गई ना गाइस, यहां का इंटीरियर इतना खूबसूरत था, बहुत ही अलग वाइब आ रही थी। और ये देखो बारिश की वजह से मेरा बाल भी ख़राब हो गया था, मम्मी यहाँ छाता को सेट करके रख रही थी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा था और बारिश भी भीग गया था। और यहाँ मैं थोड़ा चल फिर के मैं दिखा रही हूँ कि ये देखो मैं यहाँ आई हूँ और मैं यहाँ अपने बालों को सेट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो लड़का है ना, ये लड़का बहुत बदमाश है, मेरा बालों को पूरा नोच करके रख दिया गाइस। ये देखो मैं कैमरा फिर ऑन की था, फिर से उसने सेम काम किया और मेरा पूरा बाल को ख़राब करके रख दिया। और पीछे से कोई आ रहा है, ये रहा, ये देखो हमजा कैसे पीछे से आ रहा था और कितना क्यूट लग रहा है, माशाल्लाह ज़रूर बोलना गाइस। और ये देखो मेरी मम्मी और अम्मी ना यहाँ बातें कर रही है और बातें इन लोगों का ख़त्म नहीं हो रहा था। इस टाइम ना हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे मंडी में बैठने के लिए, क्योंकि वहीं हम लोगों को जा कर के डिनर करना था, कुछ अलग वाइब चाहिए होता है ना गाइस, इसी वजह से तो कुछ ऐसा होता है। ये देखो ये मंडी कुछ ऐसा होता है, टेबल चेयर में तो बहुत ही खाना होता है, थोड़ा सा अलग फील भी तो चाहिए, इसीलिए ये रेस्टोरेंट है। तो आप लोग ज़रूर आना ये रेस्टोरेंट, क्योंकि मुझे जा कर के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, इसीलिए मैं आप लोगों को भी सजेस्ट कर रही हूँ। बहुत 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 सारे फ़ोटोज़ क्लिक कराए, उसके बाद हम लोगों का धीरे धीरे स्टार्टर्स और डिनर आ गया था। ये देखो इतना सारा कुछ हम लोगों ने मंगाया था और बहुत यम था गाइस। हेलो गाइस, हम मंडी खा रहे हैं आज, ठीक है बबीता बोलो हेलो गाइस, हम मंडी खा रहे हैं। हेलो गाइस, हम लोग मंडी खा रहे हैं। अच्छा है बेटा, वीडियो करती थी।
हमजा चिची दो दो हमको दो हमको दो। खाना हो गया था कंप्लीट और बहुत सारे मस्ती मजाक होने के बाद ही हम लोगों का यहाँ आ गया था डेजर्ट। और हम लोगों ने डेजर्ट में मंगाया था कद्दू का खीर, आही टुकड़ा। कद्दू का खीर तो बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई की थी और शाही टुकड़ा उतना अच्छा नहीं था। और ये देखो खाना खाने के बाद हमजा मेरा हाथ पोछ रहा है, माशाल्लाह मेरा शूना कितना प्यारा है ना। यहाँ ना हम लोग वेट कर रहे थे बाहर में हम लोग कैब का, और यहाँ सब फ़ोटोज़ उठा रहे थे। मैं फ़ोटोज़ के बहाने में वीडियोज़ ले रही थी, इसी वजह से मेरी बहन और सोएब मुझसे गुस्सा भी हो रहा था। और फाइनली वेट करने के बाद हम लोग कैब आ गया था, हम लोग निकल गए थे घर के लिए। पता है इस टाइम रात का 1 बज रहा था और इन लोगों का बदमाशी ख़त्म नहीं हो रहा था और मैं भी थोड़ा सा डाउन हो गई थी, नींद आ रहा था मुझे। और ये देखो पीछे से इस मेरी बहन ने क्या क्या वो देखी नहीं थी, मजाक कर रही थी और मेरे लेंस में लग गया था और मेरा उसी टाइम नींद टूट गया। हमें नींद आ रहा था, मैं झपकी लेने वाली थी, चलो कोई बात नहीं, मैं उसे घूंसा दिखा दी थी कि मैं उसे घूंसा से मार दूंगी। तो गाइस चलो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।